Good morning to everyone and I welcome you in this lecture number 53. आज मैं आपकी 53 नंबर लेक्चर में स्वागत करता हूँ. जैसे कि 52 नंबर के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि सिंपल पास्ट टेंस को 6 टाइप से कैसे बनाया जाए और उसमें क्या क्या यूज़ होता है. एक तो सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है और टाइप 2 से लगाकर टाइप 6 तक डीड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो आज इसकी प्रैक्टिस 4 आई है. तो देखो प्रैक्टिस 4 क्या कह रही है. प्रैक्टिस 4 आपको पेज नंबर 57 ओपन करना है और इसमें बता रखी है आपकी प्रैक्टिस 4 सिंपल पास्ट टेंस टाइप 1, जिसे हम सिंपल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. पहले भी आपको कल बताया कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा टेंस है जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज़ की जाती है. तो केवल पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और कहीं भी हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं. तो देखिए यहाँ पे भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में कोई भी क्रिया हुई, काम हुआ, ऐसा समझ के आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है. जैसे एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप समझ के ये जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करने की आप कोशिश करें. तो सबसे पहला सेंटेंस इसमें है, आज मैंने 6 लगाया. जैसे क्रिकेट खेलते हैं 6-4 ऐसे लगाते हैं. ये लड़का इसके पापा को कहता है कि आज मैंने 6 लगाया. किसने? मैंने. तो पहले आज को ट्रांसलेट कर लीजिए, आज को कहते टुडे. मैंने 6 लगाया. किसने? मैंने. आई लगाया. आई ये पास्ट सिंपल कुछ नहीं करना, सेकंड फॉर्म या डिड. तो डिड का तो इस यूजेस में काम ही नहीं, केवल सेकंड फॉर्म लगानी. तो 6 लगाने कहते हैं हिट 6. तो हिट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती, हिट हिट हिट. तो ये सेकेंड फॉर्म है हिट. ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है. आई हिट 6, मैंने 6 लगाया. कौन करके सब्जेक्ट निकालना है और पीछे से आगे चलना है. दूसरा सेंटेंस, मेरे पति मोबाइल भूल गए. कौन? पहले ये सेंटेंस है, पूरा प्रश्न पढ़ो. मेरे पति मोबाइल भूल गए. कौन? मेरे पति. तो मेरे पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई हस्बैंड. ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं? सेंटेंस के पीछे आ जाते हैं. गए तो आई ए में सेकंड फॉर्म या डिड. तो डिड का तो यूज़ है नहीं इसमें, केवल सेकंड फॉर्म लगाना. भूलने को कहते हैं फॉरगेट. फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरगॉट. मोबाइल का द मोबाइल. क्लियर? बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो गया. फिर तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, क्षमा करें मैं भूल गया. तो क्षमा करो को पहले ट्रांसलेट कर लो कोमा के पहले, तो सॉरी हो जाएगा. मैं भूल गया. कौन? मैं. मैं के लिए आई. भूल गया तो पीछे आ निकला, तो सेकंड फॉर्म या डिड आता है. ठीक है, तो डिड तो हम इसमें यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी. भूल जाना यानी फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरगॉट. ये हो गया आई फॉरगॉट. बहुत ही सिंपल तरीके हैं ट्रांसलेशन के. मैंने फ़ोन बिल चुकाया. किसने? मैंने. तो आई चुकाया. आ आया तो ये अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगानी. तो चुकाने के तो पे की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? पैड. और फ़ोन बिल को फ़ोन बिल ही कहते हैं, द फ़ोन बिल. ओके, द आर्टिकल नहीं लगाओ तो भी चलेगा. फिर मैंने गेंद को लात मारी. ये सेंटेंस है, मैंने गेंद को लात मारी. किसने? मैंने. कौन? किसने से सब्जेक्ट निकाल लिया. मारी ई निकला पीछे, मारी ई निकला. ओके, तो सेकंड फॉर्म या डिड आता है माइंड में, तो हम डिड तो लगा नहीं सकते. कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म. तो लात मारने को क्या कहते हैं? किक. किक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? किक्ड. और बॉल को द बॉल. बस ये ट्रांसलेट हो गया. बहुत ही सिंपल टेंस है.
अब ये इंसिडेंट लिखी हुई इसमें जहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है वो पास्ट का अफर्मेटिव है, यानी कि सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है। तो देखो क्या कहा है, वन डे एक दिन लालू प्रसाद यादव हैंडेड अ 20 रुपीज़ नोट टू बेगर। अब बेगर मतलब क्या होता है, भिखारी, एक नया मीनिंग है, BAGGAR, बेगर। बेगर का मतलब क्या होता है, भिखारी, बेघर नहीं, बेगर, बेगर मतलब भिखारी। तो एक दिन लालू प्रसाद यादव ने हैंडेड मतलब हाथों से दिए अ 20 रुपीज़ नोट टू बेगर इन महाराष्ट्र। कहाँ पे दिए, महाराष्ट्र में। तो एक बार लालू प्रसाद ने, देखो हैंडेड मतलब हाथों से दिए, तो आई निकालना है, पास सिंपल का इंडिकेशन है, पेपर पढ़ना है तो ये टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे इंसिडेंट उसमें लिखी हुई आती है। तो एक बार लालू प्रसाद, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं, बेगर मतलब भिखारी होता है, महाराष्ट्र जगह का नाम है, 20 रुपीज़ नोट 20 रुपये का नोट आप समझते हैं, हैंडेड मतलब हाथों से दिए, लालू प्रसाद यादव व्यक्ति का नाम है, वन डे एक दिन की बात हो रही है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आस्क्ड द बेगर, भिखारी ने पूछा। फिर उसने कहा आई एम द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ऑफ बिहार, बिहार का मुख्यमंत्री, रिप्लाइड लालू, लालू ने रिप्लाई किया। अब इस पूरे को समझते हैं हम। वन डे लालू प्रसाद यादव हैंडेड अ 20 रुपीज़ नोट टू अ बेगर इन महाराष्ट्र। एक दिन क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव ने 20 रुपये का नोट एक भिखारी को दिया महाराष्ट्र में। तो फिर वेयर आर यू फ्रॉम, आस्क द बेगर, भिखारी ने पूछा आप कहाँ से हो। तो फिर लालू ने कहा है कि आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, रिप्लाइड लालू, लालू ने रिप्लाई किया। फिर थैंक यू वेरी मच सेड द बेगर, भिखारी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड रिटर्न द नोट, और जो 20 रुपये का नोट था उस भिखारी ने वापस लालू प्रसाद को रिटर्न कर दिया। और उसने कहा आई डोंट टेक मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। तो इसका मतलब क्या, वो भिखारी का दोस्त है लालू प्रसाद। तो इस तरह के जोक्स हैं ये। तो अब यहाँ पे सिंपल पास्ट कहाँ है, देखो सेकंड फॉर्म क्या है, हैंडेड, और हाईलाइट कीजिए, और कहाँ है, आस्क्ड, रिप्लाइड, रिटर्न्ड, ये सब सिंपल पास्ट के सिंबल है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। वंस अमेरिका मेड अ ब्यूटीफुल पेंसिल, चाइना पेंटेड इट इन अ गोल्ड टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, फ्रांस पुट इट इन अ डायमंड ऑन इट टू मेक इट इवन मोर ब्यूटीफुल, देन पेंसिल केम टू इंडिया, इंडिया रॉट मेड इन इंडिया ऑन इट। तो देखो क्या कहा इसमें, वंस अमेरिका मेड अ ब्यूटीफुल पेंसिल, एक बार अमेरिका ने बहुत ही सुंदर पेंसिल बनाई, चाइना पेंटेड इट, चाइना ने उसको पेंट किया, रंग किया, इन अ गोल्ड टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। अमेरिका ने पेंसिल बनाई बहुत ही सुंदर, और चाइना ने क्या किया, उसको गोल्ड से पेंट किया, सुंदर दिखे इसके लिए, ज़्यादा सुंदर दिखे। फ्रांस पुट इट इन अ डायमंड ऑन इट टू मेक इट इवन मोर ब्यूटीफुल, उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए फ्रांस ने क्या किया, उसमें हीरा जड़ दिया। देन फिर क्या हुआ, पेंसिल केम टू इंडिया, वो पेंसिल कहाँ आई, भारत आई, इंडिया रोट, भारत ने लिख दिया मेड इन इंडिया ऑन इट, उसके ऊपर लिखा कि ये भारत में बना है। तो ये जोक है। तो यहाँ हम देखते हैं सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज़ हुई है, मैड, पेंटेड, फ्रांस पुट डायमंड टू मेक इट इवन मोर ब्यूटीफुल, कैम और रोट, ये जो सिंबल है ये सिंपल पास्ट के, और भी कहीं सेकंड फॉर्म दिख रही है आप, तो वो सब पास्ट के सिंबल है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। मोहन राव बॉट अ कार ऑन लोन। मोहन राव, देखो पहले इसको इंग्लिश में हम पूरा पढ़ लेते हैं, मोहन राव बोचे कार ऑन लोन,
He didn't pay the dues. The bank took his car. Mohan Rao. If I knew this, I would have taken loan for my marriage. अब देखो इसका मतलब क्या है. मोहन राव बॉट अ कार ऑन लोन. बॉट क्या है? बाय की सेकेंड फॉर्म है. बाय मतलब खरीदना, टू बाय मतलब खरीदना, और बॉट मतलब खरीदी. और डिंट पे नहीं चुकाई, ड्यूज जो बाकी था. तो न्यू मतलब पता था, नो की सेकेंड फॉर्म है. बस तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. मोहन राव ने एक कार ली लोन पर, ही डिंट पे द ड्यूज. फिर उसने क्या है कि जो कार ली थी उसका पेमेंट वापस किया नहीं. द बैंक टुक हिज कार, तो बैंक ने उसकी कार ले ली, जब्त कर ली. तो मोहन राव कहता है, इफ़ आई न्यू दिस, ये मुझे पता था कि मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो कार मेरी जब्त कर लेंगे, यदि मुझे ऐसा पता था तो आई वुड हैव टेकन लोन फॉर माई मैरिज, तो मैं शादी के लिए लोन लेता तो अच्छा रहता, वो नहीं चुका था तो उसको जब इस आप समझ गए होंगे. तो ये जॉक है, इनको सीरियस नहीं लेना है. बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, और कहाँ पे सिंपल पास्ट का डिंट पे निगेटिव आ गया ये, और टुक और ये न्यू, ये सब सिंपल पास्ट के इंडिकेशंस हैं. इनको आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए. अगली जो बातचीत है वो पिंटू और चिंटू के बीच की बातचीत है. देखो क्या कहा है. पिंटू कहता है, विच केम फर्स्ट, सबसे पहले कौन आया. तो फिर उसने पूछा, दो ऑप्शन दिए, द चिकन और द एग, मुर्गा पहले आया या फिर अंडा पहले आया. तो फिर इसमें चिंटू बोलता है, द चिकन ऑफ कोर्स. तो चिंटू कहता है, बिल्कुल मुर्गा पहले आया होगा या मुर्गी पहले आई होगी. बिकॉज गॉड कुंट ले ऑन एन एग, क्योंकि भगवान तो अंडा दे नहीं सकते, तो ऑब्वियसली क्या आई होगी पहले, चिकन आई होगी, मुर्गी आई होगी. इस तरह से उसने रिप्लाई किया. तो यहाँ पे पास्ट का सिंबल क्या है, एक तो कम की सेकेंड फॉर्म आ रही है कैम, फिर उसके बाद चिकन मतलब मुर्गी, और यहाँ पे एग मतलब होता है अंडा. और फिर गोट कुंट ले, ले मतलब अंडे देना, ले मीन्स क्या होता है, अंडे देना. तो कुंट ले तो नहीं दे सकते थे, इसलिए यहाँ पे कुड, सकते थे के अर्थ में हम कुड का यूज़ करते हैं. ओके अब आगे देखते हैं. यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है. फिर इसके बाद इसी लेक्चर में हम प्रैक्टिस फोर में जो नेगेटिव है, टेबल नंबर टू जो आपने पढ़ी थी, टेबल नंबर टू में हम क्या करते हैं, डिड लगाते हैं. और जब हम डिड लगाते हैं तो हम डिड लगाते ही सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं. जहाँ पर भी डिड आ जाता था, हम उस सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो ग्रामेटिकल वो सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है पहले, और फिर जोक्स पढ़ना है, जोक्स दूसरों को बताना है. अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं, अर्थ वो ही रहना चाहिए. तो देखो प्रैक्टिस फोर जो है वो सिंपल पास्ट टेंस की है, वो टाइप टू यानी कि नेगेटिव, जिसको एन से बताया जाता है. और इसमें है, भूतकाल में कोई क्रिया नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ, ऐसा बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. तो हम डिड लगाएंगे और डिड के साथ नॉट लगाएंगे, या तो डिड नॉट को शॉर्ट में डिंट भी बोल सकते हैं, या डिड नॉट पूरा खोल के भी आप लिख सकते हैं. तो जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, वो डिड सेकेंड फॉर्म जो हो जाती है वो डिड में चली जाती है, तो फिर जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट में के चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे आप देखो, मैं नहीं खेला, कौन नहीं खेला, मैं, कौन करके सब्जेक्ट निकालते हैं, फिर सेंटेंस के पीछे चलते हैं, खेला. आ से दो ऑप्शन है, एक तो आपको सेकेंड फॉर्म है, एक आपकी डिड है.
तो अब हम सेकंड फॉर्म तो अफर्मेटिव में लगाते हैं, अफर्मेटिव है नहीं क्योंकि नहीं आ गया नॉट, तो नेगेटिव में और क्वेश्चन मार्क वाले में डिड को यूज़ करते हैं। तो आप जितने भी टाइप होंगे टाइप टू से लगाकर टाइप सिक्स तक हमारा डिड ही चलता है, और जब डिड चलता है तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, हम डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है और दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकती है। तो आप देखो कैसे, मैं नहीं खेला, कौन नहीं खेला, मैं, तो मैं के लिए क्या आया, आई, खेला पास सिंपल है, तो डिड या सेकंड तो नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव हैं, तो आपको डिड लगाना है और नहीं है तो नॉट भी लगाना है, और खेलने को कहते हैं प्ले। अब ये इसको प्लेड नहीं कर सकते हम। अब आई प्लेड, मैं खेला, मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, यानी कि जब हम डिड लगाएंगे तो प्लेड को प्ले में चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने मैच नहीं जीता, किसने, मैंने, तो मैंने के लिए आ गया आपका आई। फिर आप सेंटेंस के पीछे आ जाओ, जीता आया, तो दो ऑप्शन माइंड में आ रहे, या तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है या डीआईडी लगाना है। डीआईडी मतलब डांस इंडिया डांस नहीं, डीआईडी मतलब डिड। ओके, तो अब आप नहीं आ रहा इसलिए आप सेकंड फॉर्म तो लगाएंगे नहीं, ऑब्वियसली आपके पास एक ऑप्शन बचा है डिड का, और नहीं आ रहा इसलिए नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो आई डिड नॉट लगा दिया। फिर पीछे से आगे चलते जाओ, जीतने को क्या कहते हैं, विन, अब वॉन नहीं लगाएंगे, विन, और खेल को क्या कहते हैं, द मैच, आई डिड नॉट विन द मैच। फिर अगला सेंटेंस है, मैंने दरवाजे को ताला नहीं लगाया, मैंने दरवाजे को ताला नहीं लगाया, किसने नहीं लगाया, मैंने, तो मैंने के लिए क्या आ जाता है, आई। फिर आप सेंटेंस के कहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं, लगाया आ, तो आ से दो ऑप्शन माइंड में आते हैं, एक तो आपको डिड लगाना होता है, एक आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि नहीं आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, डिड और नॉट भी इसके साथ लगाना है। ताला लगाने को क्या कहते हैं, लॉक, और दरवाजे को द डोर, द यानी कि उसी दरवाजे की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगला जो है, ये लड़का इसके पापा को कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं गया, कौन नहीं गया, मैं, तो मैं के लिए आई, गया पास सिंपल में डिड या सेकंड फॉर्म, और नहीं आ रहा नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, और जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो के बाद कोई जगह आती है तो हम टू लगा देते हैं, और स्कूल का स्कूल। फिर हम आगे चलते हैं, हमने शीशा नहीं तोड़ा, किसने, हमने, तो हमने के लिए क्या लगाया, वी, सेंटेंस के पीछे तोड़ा डिड या सेकंड, तो हम सेकंड तो लगा नहीं सकते, नेगेटिव है इसलिए तो डिड नॉट आ जाएगा। फिर तोड़ने को कहते हैं ब्रेक, और शीशा को कहते हैं द ग्लास, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। ओके, अब इसके नीचे हम जॉक्स पढ़ लेते हैं। देखो आनंद और राज के बीच की बात है, देखो क्या कहा है, आनंद कहता है यस्टरडे, अब देखो पास्ट टेंस है तो ऑब्वियसली यस्टरडे की बात होगी, और फ्यूचर टेंस है तो टुमारो की बात होगी, तो टुमारो यस्टरडे में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आनंद कहता है यस्टरडे आई रीच्ड होम एट 3 PM, रीच मतलब पहुंचना, रीच्ड मतलब पहुंचा, कल मैं 3 बजे, दिन में 3 बजे घर पहुंचा, एंड गॉट द न्यूज़, और मुझे खबर मिली दैट कि आई बिकेम फादर ऑफ 3 daughters, कि मैं 3 बेटियों का बाप बन गया, या 3 बेटियों का फादर बन गया, ऐसी खबर मुझे मिली। तो ये कि आनंद कहता है कि जब कल मैं घर पहुंचा 3 बजे तो मुझे एक न्यूज़ मिली कि मैं 3 daughters का फादर बन गया। तो राज कह रहा है थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है दैट यू डिड नॉट रीच होम एट 10 or 12 PM, शुक्र है भगवान का कि आप घर पे रात को 10 से 12 बजे नहीं पहुँचे, नहीं तो पता नहीं क्या न्यूज़ सुनाई देती। तो ये जॉक है, तो पास्ट सिंपल को अंडरलाइन करेंगे, तो रीच्ड सिंपल पास्ट है, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, और बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। ओके,
तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए। और इसमें भी एक पास सिंपल का नेगेटिव है, डिड नॉट, और डिड आया, देखो यहाँ डिड नहीं आया तो सेकंड फॉर्म, जैसे डिड आया तो रीच फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद चिंटू और पिंटू के बीच में बातचीत है, तो चिंटू कहता है हाउ डिड यू कैम टू नो दैट योर ग्रैंडफादर वाज डेड, आपको कैसे पता लगा कि आपके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्या शांत हो गए। तो पिंटू कहता है ही डिडंट मूव व्हेन आई किक्ड हिम, जब मैंने उनको लात मारी तो वो हिले नहीं, इसका मतलब मर गए। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, डिड आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सिंपल पास्ट का क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आपको पता है नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले में डिड लगाया जाता है। ये डिडंट आ रहा है और मूव ये नेगेटिव है, ये किक्ड ये अफर्मेटिव है। इस तरह से आपको इसका सिंपल जो है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्लियर। उसके बाद अगला जो है वन डे, देखो ये बहुत ही अच्छा जोक है। वन डे हस्बैंड केम अर्ली फ्रॉम द ऑफिस, एक दिन पतिदेव जो होते हैं वो ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। ही डिसाइडेड टू जेस्ट हिज वाइफ, यहाँ पे एक नया मीनिंग आया जेस्ट, जेस्ट मतलब मजाक करना या ठिटोली करना, इस तरह से हम मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं, जानबूझ करके मजाक करना, उसे हम कहते हैं जेस्ट। तो ही डिसाइडेड टू जेस्ट हिज वाइफ, उन्होंने तय किया कि आज मैं अपनी वाइफ को क्या करूं, परेशान करूं या मजाक करूं, ठिटोली करूं उनके साथ। सो ही हिड हर, हीज आएगा यहाँ पे, हर नहीं आएगा, ये जो हर है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। सो ही हिड हर आइज विथ हीज हैंड्स एंड सेड गेस हु एम आई। अब एक दिन क्या हुआ कि एक पतिदेव थे, उन्होंने सोचा कि हम ऑफिस से जल्दी घर आएगा तो ठीक है वाइफ से जेस्ट किया जाए, मजाक किया जाए। तो जैसे ही वाइफ इंटर हुई तो उन्होंने अपने हाथों से वाइफ की आंखें बंद कर दी, पता है ना आपको, पता है जो आंखों पे हाथों से पीछे से जाके बंद कर देते हैं, उस तरह से बंद कर दी। और फिर पूछा गेस हु एम आई, चलो अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। तो वाइफ कहती है अ वॉचमैन, चौकीदार। तो हस्बैंड कहता है, हस्बैंड सेड सरप्राइजिंगली, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, सेट नो नहीं। तो फिर गेस अगेन, फिर से गेस करो। तो वाइफ सेड अ मिल्कमैन, दूध वाला। तो अगेन हस्बैंड सेड नो, फिर से उनके हस्बैंड ने कहा नो। देन वाइफ सेड अ पेपर वाला, अखबार वाला होगा। तो हस्बैंड फेल ऑन द ग्राउंड एंड देन वाइफ सेड ओ यू आर माई हस्बैंड। जैसे ही वो हस्बैंड इतना शॉक्ड हो गया और ग्राउंड पे गिर गया, फिर उनके हस्बैंड ने उसकी वाइफ ने कहा वो आप तो मेरे हस्बैंड हैं। तो इस तरह से ये जॉक है। तो देखो सिंपल पास्ट का है कैम, और डिसाइडेड हीड हाइड की सेकेंड फॉर्म में हीड छिपाया या छिपाए, और सेड सेड देन सेड 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 फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म, गिरना गिरा सेड। इतने सारे पास्ट के सिंबल इसमें हैं। अब अगला है, ये भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशन है जॉक को लेके। तो हस्बैंड कहता है यू कॉल्ड मी अ डॉग, तुमने मुझे कुत्ता बोला। वाइफ कहती नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं बोला। तो हस्बैंड बोलता आई हियर्ड विथ माई ओन ईयर्स, मैंने अपने कानों से सुना है दैट यू कॉल्ड मी अ डॉग, कि मैंने तुमने मुझे कुत्ता बोला। तो वाइफ बोलती नो आई डिडंट, मैंने नहीं बोला। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया कि मैंने नहीं बोला। नाउ प्लीज़ स्टॉप बार्किंग, अब तुम भौंकना बंद करो। तो अब यहाँ पे आप इंडिकेट करो, कॉल्ड सिंपल पास्ट का है, डिंट सिंपल पास्ट नेगेटिव का है, कॉल्ड हियर्ड डिंट टोल्ड, ये सारे सिंपल पास्ट के सिंबल हैं। ओके सो दैट्स इट। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है बहुत ही अच्छी है, You can exhibit only that competence which you often use, competence unused either to get or vanished.
बहुत ही अच्छी बात है. यू कैन एग्जिबिट ओनली दैट कंपेटेंस विच यू ऑफन यूज़, यानी क्षमताएं वही विकसित होती है जिनका हम रोज उपयोग करते हैं. कंपेटेंस अनयूज्ड ईदर डिकेड और वैनिस्ड, यानी कि जिन क्षमताओं का हम यूज़ नहीं करते, उपयोग नहीं करते, वे लुप्त या नष्ट हो जाती है. तो यही नॉलेज है, जब आप वही डेवलप होगी जिसका आप डेली यूज़ करेंगे. अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिनिश्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो आप फिर से ये लाइन बहुत ही अच्छी याद कर लें. You can exhibit only that competence which you often use. Competence unused either decayed or vanished. इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, You can exhibit only that competence which you often use. Competence unused either decayed or vanished. ये आपको लर्न कर लेना है. Okay? That's it for today's class. Till then, goodbye. Have a nice day.